हेलो दोस्तों, ग्रीन विजडम चैनल पर आज के इस वीडियो में दिख रहे इस आकर्षक और विशाल पक्षी को ध्यान से देखिए। यह पक्षी अपनी लंबी गर्दन, लंबी लाल चोंच और सफेद पंखों के बीच काले धब्बे के लिए जाना जाता है। इस पक्षी को हिंदी में श्वेत राजबक कहते, अंग्रेजी में इस पक्षी को व्हाइट स्टॉर्क कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम सिकोनिया सिकोनिया, और यह सिकोनिडे परिवार का एक सदस्य है। यह पक्षी मुख्य रूप से सफेद रंग का होता है, जिसके पंखों के सिरे काले होते हैं। इसकी लंबी टांगे और लंबी गर्दन होती है। इसकी चोंच लंबी और मजबूत होती है। श्वेत राजबक यूरोप और एशिया के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। श्वेत राजबक खुले मैदानों, दलदली मैदानों, नदियों और झीलों के आसपास पाया जाता। यह एक सामाजिक पक्षी है और अक्सर समूहों में रहता है। यह एक प्रवासी पक्षी है और सर्दियों के मौसम में गर्म क्षेत्रों में प्रवास करता है। श्वेत राजबक एक मांसाहारी पक्षी है। यह मुख्य रूप से छोटे जानवरों जैसे कीड़े, मछली, मेंढक, चूहे और सांपों को खाता है। यह पक्षी अपनी लंबी चोंच का उपयोग करके अपने शिकार को पकड़ता है। श्वेत राजबक पेड़ों, इमारतों या बिजली के खंभों आदि जैसे जगहों पर अपना घोंसला बनाता। मादा श्वेत राजबक एक बार में 3 से 4 अंडे देती है और दोनों माता पिता मिलकर अपने बच्चों को पालते हैं। हालांकि श्वेत राजबक एक आम पक्षी है, लेकिन इनके आवास नष्ट होने और शिकारियों द्वारा इनका शिकार किए जाने के कारण इसकी संख्या में कमी आई है। इसलिए कई देशों में श्वेत राजबक को संरक्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। श्वेत राजबक पक्षी का सांस्कृतिक महत्व भी है और दुनिया के कई संस्कृतियों में श्वेत राजबक को शुभ माना जाता है और इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह पक्षी प्रकृति का एक अनमोल उपहार है और इसे संरक्षित करना हम सभी की जिम्मेदारी। भारत में श्वेत राजबक को प्रवासी पक्षी के रूप में देखा जाता है। सर्दियों के मौसम में जब यूरोप में तापमान बहुत कम हो जाता है तो ये पक्षी अपने प्रजनन स्थलों को छोड़कर भारत जैसे गर्म क्षेत्रों में आ जाते हैं। दुनिया के बहुत सारे पक्षी प्रेमी इन पक्षियों को देखने के लिए भारत आते हैं। सर्दियों का मौसम यानी नवंबर से फरवरी माह श्वेत राजबक को भारत में देखने का सबसे अच्छा समय होता है। इस दौरान आप इन पक्षियों को बड़ी संख्या में दलदली क्षेत्रों और नदियों के किनारे देख सकते हैं। यदि यह जानकारी आप सबको ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।